सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन गाइस, हम नीट यूजी 2020 में जो कोविड स्पेशल एग्जामिनेशन हुआ था उसका बायो का क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, जिसके तीन पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट हमारा फोर्थ पार्ट बचता है 25 क्वेश्चंस का, तो ये पार्ट भी आज हम कवर कर लेंगे। इस पार्ट के कवर होते ही आपको नीट 2020 के बायो का जो फुल पेपर रहा था 90 क्वेश्चंस का, वो मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके उन चारों वीडियोस को आप देख सकते हैं। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा स्टडी स्किल सक्सेस, यहाँ पर आपको इन सब की पीडीएफ भी जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देन आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि बाहर से भीतर मध्यांशी अंतराकाश में परासरण दाब की बढ़ोतरी किसके द्वारा नियमित होती है। ए बी सी एंड डी में से आपको आंसर चूज करना है कि कौन सा होगा। देन गाइस, इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा। मॉडरेट जितना टाइम हो सके उतना टाइम लीजिए, मिनिमम जितना टाइम ले सको उतना टाइम लीजिए और इजिली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वन एंड ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही होंगे। वन एंड सेकंड बिल्कुल सही होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता की स्तन ग्रंथियों द्वारा दुग्ध स्त्रवण के आरंभिक दिनों में स्त्रावित पीले द्रव कोलोस्ट्रम में नवजात को बचाने के लिए प्रतिरक्षी बहुतायात में होते हैं, इस प्रकार की प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं। हम देखते हैं कि जो माता का फर्स्ट टाइम में जो दुग्ध स्त्रवण होता है उसके आरंभिक दिनों में हमें जो एक येलो कलर का जो मिल्क है वो देखने को मिलता है, जो पीला द्रव कोलोस्ट्रम होता है वो देखने को मिलता है, जो कि प्रतिरक्षी होता है। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को कहते क्या है ये आपको बताना है। तो क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को हम कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्या कहते हैं गाइस? निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तिलचट्टे के संदर्भ में निम्न संदर्भों को मिलाकर सही विकल्प का चयन कीजिए। तिलचट्टे के संदर्भ में आपको कुछ दी गई है कॉलम वन और कॉलम सेकंड में, तो कॉलम देखिए, आपने इस टाइप के क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो फर्स्ट टाइम मैं आपको बता देता हूं, आपको यहां पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं और यहां पर पांच ऑप्शंस दिए गए हैं। अब जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको लगेगा कि क्वेश्चन में थोड़ा एरर है। देखिए, बेसिकली सबको पता होता है लेकिन मैं बता देता हूँ, ऐसा नहीं है गाइज। आपको इन चार ऑप्शनों को इन पाँच में से किन्हीं चार ऑप्शन के साथ मिलाना है, एक को आपको इग्नोर करना है। ठीक है, इस प्रकार के से ये क्वेश्चन होगा, तो टेंशन मत लीजिएगा, कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट होगा, यानी कि जो खाद्य कणों को पीसना है उसको क्या कहते हैं? पेशनी कहते हैं। जठर रसों का जो स्त्रावण होता है उसको कहते हैं यकृतीय अंडनाल में होता है वो। इसके अलावा सी जो है दस युग्म, ये हो जाएगा श्वास सिद्धर, और डी जो है गुदीय लूम, ये हो जाएगा आपका दसवां खंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव तकनीक के क्षेत्र में आरएनए अंतर आक्षेप का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता है। जो जैव टेक्निक होती है उसके क्षेत्र में जो आरएनए अंतर आक्षेप है उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है ये आपको बताना है। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूत्रकृमि के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोधी पौधा तैयार करने के लिए। देन गाइस, मैंने आपके लिए कुछ सोचा है कि आज हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कल से आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो एनटीए अभ्यास जो एप्लीकेशन है उसमें जो क्वेश्चंस रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एनटीए अभ्यास एप्लीकेशन में जो भी हमारा पूरा का पूरा टेस्ट पेपर रहा है उसमें से मैं क्वेश्चंस उठाऊंगा बायो के, और वो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल से इस टाइप की वीडियोस आपको मिलने वाली है। ठीक है गाइस, चलिए, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो लेवल है ना यार, पूछिए मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया था कि ई कोलाई में केवल 4.6 × 10^6 बेस युग्म होते हैं, ये प्रतिकृति की प्रक्रिया 8 मिनटों में पूरा कर देते हैं, इस प्रकार की बहुलीकरण की औसत दर लगभग कितनी होती है ये आपको बताना है। 2000, 3000, 4000 एंड 1000। देन ये जो ऑप्शन होगा उसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी कि 2000 बेस युग्म सेकंड जो है वो होती है। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रोजेस्ट्रोन का अकेले या एस्ट्रोजन के साथ एक गर्भ निरोधक के रूप में उपयोग किस प्रकार से हो सकता है? ए केवल अंतररोप, बी केवल इंजेक्शन, सी गोलियां इंजेक्शन और अंतररोप, या फिर डी केवल मेडिसिंस या फिर गोलियां। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, मेडिसिंस भी होगा, इंजेक्शन भी होगा और अंतररोप भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB है, उसके अनुसार किस आकार यानी कि किस व्यास के कणिकीय पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक नुकसानदेह होते हैं? माइक्रोमीटर में आपको बताना है 3.5, 2.5, 4.0 या फिर 3.0। देन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2.5 जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बलपूर्वक अंतःश्वसन के अंत में फेफड़ों में हवा के कुल आयतन को फेफड़ों की कुल क्षमता यानी कि TLC कहते हैं, इसमें होता क्या है ये आपको बताना है, ए बी सी या फिर डी में से। देन गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न वर्गों में से अगुणित कोशिकाओं के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जो आपको कैटेगरीज दी गई हैं उनमें अगुणित जो कोशिकाएं होती है, सेल्स जो होती हैं, उनके सही विकल्प का आपको चयन करना है। देन राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, प्रथम ध्रुवीय पिंड और अंडाणु। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की कौन सी अवस्था के दौरान, में दौरान नहीं होगा, के दौरान सूत्र युग्मन होता है? स्थूलपट, युग्मपट, द्विपट या फिर तनुपट। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, युग्मपट। ऑल क्लियर? चलिए नेक्स्ट। मैच द कॉलम्स, सेम तरीका आपको अपनाना है, वीडियो को करना है पॉज, आराम से इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, अपना आंसर करना है नोट और फिर देखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि चिकनी अंत्य प्रद्रवी जलिका जो है वो मैच होगी आपकी लिपिड संश्लेषण के साथ, उसके बाद खुरदरी अंत्य प्रद्रवी जलिका जो होती है वो प्रोटीन संश्लेषण के साथ मैच होगी, गोल्जीकाय जो होता है वो ग्लाइकोसिलेशन के साथ मैच होगा, और तारक केंद्र जो होता है वह तर्क तंतु निर्माण के साथ मैच होगा। ठीक है, इनमें से अगर पहला आपको पता था ना कि चिकने अंतरपदवी जलिका लिपिड संश्लेषण के साथ मैच होती है, तो इसमें एक ही है जो कि ए में सेकंड है, बाकी किसी में भी नहीं है, तो एक से ही आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाते। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आए ना, तो मैच कोशिश कीजिए कि कम से कम एक या फिर दो आपको याद रह जाए, अगर चार के चार याद नहीं है तो भी चलेगा, एक या दो आपके पास याद हैं तो आप क्वेश्चंस को कर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको राइट स्टेटमेंट को चुनना है। पहला है एट्रियल नेट्रीयूरेटिक कारक रक्तदाब को बढ़ाता है, दूसरा है एंजियोटेंसिन सेकंड एक प्रभावकारी वाहिका संकीर्णन है, सी है रक्त प्रभाव का जो प्रतिधारा प्रतिरूप है वो वसा रेक्टो में अवलोकित नहीं होता, और डी जो है वो गुच्छीय निसंदने की दर में कमी जेजी कोशिकाओं को रेनिन मोचन के लिए क्रियाशील करती है। ए बी सी एंड डी, एंड राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, बाकी सारे के सारे रॉन्ग हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में क्या हृदय निकास को घटने से संबंधित है? अनुकंपी तंत्रिकाएं, परानुकंपी तंत्रिके संकेत, श्वास प्रभावी केंद्र या फिर अधिवृक्क मध्यांश के हार्मोन। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, परानुकंपी तंत्रिके संकेत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंत्य प्रजनन अवसादन है, तो अंत्य प्रजनन अवसादन क्या है? ए बी सी एंड डी में से राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। यार वीडियो अच्छी लग रही है ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको आगे भी इस चैनल पर मिलने वाली है। चलिए इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, निरंतर निकट अंत्य प्रजनन के कारण जनन क्षमता एवं उत्पादकता में कमी। और यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा,
बिकॉज मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। चलिए अनुचित मिलान का चयन करना है। क्या पहला क्या दिया गया है कि कॉन्ड्रियोसाइट्स जो होती हैं वो चिकनी पेशिका की कोशिका, न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका है, तंतुकोरक एरियोलर उत्तक है और ओस्टियोसाइट्स जो है वो अस्थि कोशिकाएं हैं। तो इसमें अनुचित मिलान करना है यानी कि गलत मिलान का चयन करना है। जो कॉन्ड्रियोसाइट्स बिल्कुल सही हो जाएगा यानी कि ये चिकनी पेशी कोशिकाएं नहीं होती। चलिए नेक्स्ट, जैव संसाधनों के अनधिकृत शोषण को रोकने के लिए बनाए गए नियमों एवं कानूनों को क्या कहते हैं? बायो पेंटेटिंग, पेंटेटिंग, बायो एथिक्स, बायो इंजीनियरिंग या फिर बायो पायरेसी। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, बायो पेंटेटिंग। चलिए नेक्स्ट, मैच द कॉलम्स, अंडाशय, अपरापित्त पिंड और लीडिंग कोशिकाएं दी गई है। अब देखिए अगर फर्स्ट में एक भी आपको पता है तो आप इजीली टिक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। मैंने आपको बताया था कि अंडाशय का मैच किसके साथ होगा, अंडाशय का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के। अगर आपको पता था कि अंडाशय का मैच एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के साथ हो चाहे यानी कि फर्स्ट का मैच सेकंड के साथ, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी राइट, बाकियों को छेड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट, फिर से मैच दी कॉलम्स है तो ट्राई कीजिए। एडिनोडाइटिस, टेरोपस, टेरोफिल्लम और पेट्रोमाइजोन। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगर आपको पता था कि एडिनोडाइट्स का जो मैच है वो आपका पेंगुइन के साथ होगा तो फर्स्ट का फोर्थ के साथ, नो नो यस, क्लियर है गाइस। चलिए नेक्स्ट, 1891 यानी कि 1891 में जावा में एक मानव सम का जीवाश्म मिला जिसकी मस्तिष्क क्षमता जो है वो 900 सीसी थी। अब यह विलुप्त है तो कौन सा है? होमो इरेक्ट्स, नियडरथाल मानव, होमो सेपियंस या फिर ऑस्ट्रोलोपिथेक्स। देन ऑप्शन नंबर ए इज राइट, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको ए बी सी एंड डी में से मैच दी कॉलम्स है, प्रवस्था दी गई है, यह तो आपको पता होना चाहिए यार, बता देता हूँ ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यह तो आपको पता है कि जो जीवन प्रवस्था है वो क्या होती है, कोशिका वृद्धि एवं अंगों का द्विगुणन होती है। तो एक आपको पता है तो बाकी आपके रॉन्ग, फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ईजी था ये तो क्वेश्चन। चलिए फिर से मैच दी कॉलम्स है। अच्छा, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ो ना तो हमारी पहली जो नज़र जाती है वो कॉलम वन पे जाती है। लेकिन यार क्वेश्चंस को करने से पहले, अब कॉलम वन को आपने देखा, यार कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे करें, तो आप स्किप करते हैं। ऐसा नहीं करना है, कॉलम वन को देखने के बाद कॉलम टू को भी देखिए। क्या पता कि यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो आपको नहीं समझ आ रही और यहाँ पर आपकी लैंग्वेज रखी हुई है उससे आप मतलब वो ईजिली आपको समझ आ रही है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार दोनों कॉलम्स को देखिएगा। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यानी कि जो फर्स्ट का मैच होगा वो होगा सेकंड के साथ, मस्तिष्क का पॉन्स क्षेत्र होता है, बी O2 वियोजक तंत्र जो है हीमोग्लोबिन, सी गैस जो कार्बनिक एनहाइड्रेट जो होता है वो RBC है और गैस विनिमय का जो प्राथमिक स्थल है वो वायु कुपिका है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेक्स्ट, मानव जीनोम और DNA फिंगरप्रिंटिंग के अनुवांशिक मानचित्र बनाने का आधार क्या है? तो क्या होगा इसका राइट? इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, DNA कर्मों में बहुरूपता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में किस अवस्था में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस होता है, ए बी सी या फिर डी में? तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, माता RH नेगेटिव एंड भ्रूण RH पॉजिटिव होने पर। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो बोला गया है कि सभी जो वर्टिब्रेट कॉर्डेट है, लेकिन सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है क्योंकि
सभी वर्टिब्रेट कॉर्डेट है लेकिन सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि कुछ कॉर्डेट जो होते हैं उनके वयस्कों में पुष्ट रज्जु मेरुदंड में बदल जाती है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, मैच दी कॉलम्स। गाउट, अस्थि सुषिरता, अपतानिका और पेशीय दुष्पोषण दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो गाउट है इसका मैच होगा यूरिक अम्ल कणों का जमा होना, इसे बोलते हैं गाउट। देन अस्थि सुषिरता को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन स्तर में कमी। अपतानिक जो होती है उसका मतलब होता है कि रक्त में कम सीए पॉजिटिव आयन, और पेशीय दुष्पोषण आपका ऑप्शन नंबर फोर हो गया, ऑप्शन नंबर फाइव हो गया। ठीक है, तो गाइज ये था आज का पूरा सेशन। देन इसी सेशंस के साथ हमने नीट 2020 के कोविड 19 एग्जामिनेशंस में जो बायोलॉजी का पूरा पोर्शन था 90 क्वेश्चंस का, उसको कवर कर लिया है। उन चार वीडियोस में मैंने कवर किया है। उन चारों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक, वहाँ से जाके इन चारों वीडियोस को देख सकते हैं एंड इन क्वेश्चंस पे जो अपनी पकड़ है उसको स्ट्रांग बना सकते हैं। बाकी कल से हम एनटी अभ्यास ऐप के एप्लीकेशंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको शुरू करने वाले हैं, तो उस सेशंस के साथ भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। बाकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी स्किल सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।